नमस्कार, बोल्सकाए में आप सभी का स्वागत है। आज की तनाव और भागदौड़ से भरी जिंदगी में लोगों की सेहत बिगड़ने की एक मुख्य वजह उनके अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल भी है, क्योंकि नींद की कमी, देर रात तक कंप्यूटर और टीवी देखना, खान पान से जुड़ी लापरवाही जैसी कई वजहों की वजह से रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी इम्यून पावर कम हो जाती है। ऐसे में इन बीमारियों से बचने और संक्रमण का सामना करने के लिए अगर आप अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप कुछ योगासनों की मदद से ऐसा कर सकते हैं। साथ ही मॉनसून का मौसम आने वाला है, ऐसे में आपकी इम्यूनिटी और कमजोर होने का डर है, तो आप इन दो योगा को जरूर करें। धनुरासन। ये योगासन करने के लिए जमीन पर चटाई बिछाएं और पेट के बल लेट जाएं। अब अपने दाहिने पैर के घुटने को दाहिने हाथ और बाहिने पैर के घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ें। अब गहरी सांस लें और अपनी छाती और कंधों को धीरे धीरे पीछे ले जाएं। पीछे से दोनों पैरों और थाइस को उठाएं, फिर पैरों को छत की तरफ ले जाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहते हुए अपना ध्यान नाभि यानी बेली बटन पर केंद्रित करें। हार्ट बीट पर ध्यान दें और उसे महसूस करें। अपनी सुविधा के अनुसार आप धनुरासन का अभ्यास 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। सर्वांगासन। इस आसन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर मजबूती से टिकाएं और अपनी कमर और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। आपके शरीर का सारा वजन आपके शोल्डर्स पर तथा सिर पर आना चाहिए। इस मुद्रा में आपका सिर और गर्दन एक सीध में होने चाहिए। सर्वांगासन की इस मुद्रा में अपनी सुविधा के अनुसार कुछ समय ऐसे ही रहें, लेकिन इस मुद्रा में रहते इधर उधर देखने की कोशिश न करें, क्योंकि बाएं दाएं मुड़ना नुकसानदायक हो सकता है। धीरे धीरे मुद्रा से बाहर आएं और सुविधा अनुसार इस योगासन को दोबारा अभ्यास करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों और अपडेट्स के लिए बोल्सकाए को सब्सक्राइब करना ना भूलें।